गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है, वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि टैंगल हार्ट पर कोई वीडियो बनाओ, ऐसा एक सब्सक्राइबर ने कहा था। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टैंगल हार्ट पर है कि किस तरह से हम टैंगल हार्ट को ग्रो करें और कैसे उसकी देखभाल करें, क्या क्या फर्टिलाइज़र दें, कैसे वाटरिंग करें और कैसे जगह पर प्लेस करें। तो सबसे पहले मैं अपने पॉट्स दिखाती हूँ, कौन कौन से पॉट्स मैंने टैंगल हार्ट के प्लांट लगाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कितना खूबसूरत लगता है। और ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जो बहुत ही दिखने में खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो ये पानी को अपनी पत्तियों में होल्ड करके रखता है। यदि हम एक दो दिन पानी डालना भूल भी जाते हैं तो ये अपनी पत्तियों से पानी की पूर्ति कर लेता है। तो इसे आप छोटे से छोटे पॉट्स लेके बड़े से बड़े पॉट में हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, बेस्ट हैंगिंग बास्केट के लिए तो बेस्ट हैंगिंग प्लांट है ये। तो इसे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये 20 से 40 रुपीज़ के बीच में मिल जाते हैं हमारे यहाँ, तो इसे आप नर्सरी से ला सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, जिसे आप एक बार लाते हैं तो आपके गार्डन में ये हमेशा सालों साल बना रहेगा। इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी एक प्लांट लाया था और उसकी कटिंग ले लेकर देखिए, मैंने लगभग मेरे पूरे गार्डन में ही आपको टैंगल हार्ट के प्लांट मिलेंगे। और मल्चिंग के लिए भी आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं समर सीजन में। तो देखिए, मैं यहाँ पर और कुछ पॉट दिखाती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट है और इसमें मैंने लगाया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए या प्योर सेंड में भी लगा सकते हैं, हाफ पार्ट मिट्टी हाफ पार्ट सेंड में भी लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है। और जब हैंगिंग बास्केट में हम लगाते हैं और ये जब नीचे की ओर इनकी बेलें झुकती है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और कुछ प्लांट और दिखाती हूँ जो पूरे फुल दिन भर के फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये टायर में लगा हुआ है और ये इसको दिन भर की पूरी धूप मिलती है, तो पूरे दिन की सनलाइट में भी चल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से येलो हो जाती है, और यदि आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन होती है। और ऐसे जगह पर भी बिल्कुल प्लेस ना करें जहाँ पर कि इनडायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए, तो ऐसे में क्या होगा फ्रेंड्स, इनकी पत्तियां जो है ब्रांच में बहुत दूर दूर आएंगी, पास पास नहीं आएंगी, नज़दीक नज़दीक। तो इसे ऐसे जगह पर रखिए जहां पर एक आध घंटे की धूप मिले या इनडायरेक्ट सनलाइट इनको दिन भर की मिलती रहे। तो ऐसे जगह पर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो भी करता है और पत्तियाँ खूबसूरत लगती हैं, बहुत ग्रीन। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मल्चिंग के रूप में मैंने बहुत सारे पॉट में इसे लगाया है। तो देखिए, समर सीजन में इसे आप मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके गमले हैं 8 इंच 10 इंच 12 इंच के, जिसमें बड़े बड़े प्लांट आपने लगाए हैं, उसमें आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा दीजिए तो ये बहुत अच्छा मल्चिंग का काम करता है। और आप देख ही रहे हैं, मैं बहुत सारे प्लांट आपको दिखा भी रही हूँ जिसमें मैंने इस प्लांट को लगाया है, टैंगल हार्ट को। तो यहाँ पर मैंने सारे जितने छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाए हैं, देखिए ये छोटे से बॉटल को मैंने कट करके लगाया है, जो पानी बॉटल आता है जिसे हम फेंक देते हैं उसको मैंने कटिंग करके इस तरह से इसमें लगा दिया। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो टैंगल हार्ट के मैं आज आपको कटिंग भी लगाना बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की मिट्टी में हम इसे लगाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल हल्की मिट्टी तैयार करनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक भाग राइस हस्क ले लीजिए या फिर एक भाग कोकोपीट और एक भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर। इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए और इसमें सेंड भी मिलाना ज़रूरी है। एक भाग आप अच्छे से सेंड मिलाइए, और अगर आपके यहाँ मोटी रेत आती है तो मोटी दरदरी वाली जो रेत आती है उसे यदि आप मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जल्दी ग्रो होता है और बहुत जल्दी बढ़ता भी है, तो ग्रोथ अच्छी होती है इसकी। तो आप मोटी दाने वाली रेत ले लीजिए, एकदम बारीक दाने वाली मत लीजिए। तो देखिए मैंने 2 पॉट तैयार किए हैं इसी तरह की मिट्टी में और इसकी मैंने कटिंग कर ली है, देखिए इतने सारे, और आज मैं कटिंग लगाना बताऊंगी। तो इसे आप फ्रेंड्स कहीं पर भी ऐसे ही रख देते हैं और हल्की सी मिट्टी में दबा देते हैं तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे ब्रांच कट कर लिए हैं और इनको मैं छोटे छोटे से और पीसेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इन्हीं पॉट में लगाऊंगी, 2 जो मेरे हैंगिंग बास्केट हैं इनमें मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी।
तो ये प्लांट इसी तरह से है, और आपको वाटरिंग का विशेष ध्यान देना है। एकदम से गमले की मिट्टी सूखने ना दें, और यदि आप एक दो दिन भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती इस प्लांट को। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट, और मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे गार्डनर्स होंगे जिनके गार्डन में ये प्लांट नहीं होंगे। और जो गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट प्लांट है गार्डन के लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट में मैं इसे लगा रही हूँ। और देखिए बस आपको मिट्टी ले लेनी है, उसमें वाटरिंग कर देनी है। तो जब भी आप कटिंग लगाते हैं इस तरह की छोटे छोटे से प्लांट की, तो या फिर कोई भी कटिंग लगाते हैं, तो मिट्टी में सबसे पहले पानी डाल दीजिए, और उसमें फंगीसाइड मिलाकर अगर आप डालते हैं तो भी ठीक है। और इस प्लांट को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम फंगीसाइड वाला पानी डालें, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही सादा पानी डाल दिया है, और बस जो कटिंग लिए हैं उसकी नीचे की दो पत्तियां मैंने रिमूव कर दी है, और इस तरह से मैं सारी कटिंग लगा लूँगी। तो मैं इसे लगाकर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के शूट करना नहीं हो पाता है, अच्छे से प्लांट नहीं लग पाते हैं। तो बहुत आसान है। और हैंगिंग बास्केट के लिए आप हल्की मिट्टी इस्तेमाल कीजिएगा। गमले में यदि आप लगाते हैं तो जिस तरह की मिट्टी मैं आमतौर पर बनाती हूँ उसी तरह की मिट्टी इस्तेमाल कीजिए, और बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये जो पॉट है इसमें मैं पूरा कवर कर लूँगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और पॉट मैंने लिया है, उसमें मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग लगा दूँगी। तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है आसानी से। इंसेक्ट अटैक तो इसमें नहीं होते हैं अभी तक कि मेरे किसी भी प्लांट में नहीं हुए हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसे आप अभी समर सीजन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वैसे तो ये प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यदि शुरू में ही जब मिट्टी बनाते हैं उस समय इसे फर्टिलाइज़र देंगे तो काफ़ी दिनों तक आपको कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ेगा। और साल में लगभग आप 2 से 3 बार इनको फर्टिलाइज़र दीजिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर लिक्विड बनाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं तो इन प्लांट को ऐसा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने अभी तक नहीं दिया है फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ, जिस तरह से ऐसे पॉट है तो मैं इसी में आधा मुट्ठी, जैसे छोटा पॉट है तो आधा मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ और वाटरिंग कर देती हूँ। तो ये प्लांट इतना ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और बहुत ही अच्छा प्लांट, बहुत ही दिखने में खूबसूरत प्लांट है। और ज़्यादा ये हमें इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस आप पानी दीजिए अच्छे से, और पानी का ध्यान रखिए, तो ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। ना तो कोई इंसेक्ट अटैक होते हैं, और ना ही इसमें कोई ऐसा फंगस लगता है जिसके कारण से ये फंगस का शिकार होकर ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्लांट को आप जरूर लगाइए अपने गार्डन में, ऐड कीजिए। और गार्डनिंग की शुरुआत करने वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट प्लांट है टेंगल हार्ट। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल हमारे यहाँ शाम को आंधी भी आई है फ्रेंड्स, तो मेरे बिल्कुल ग्रीन नेट जो है पूरे सारे उड़ गए थे, उसे मैंने बनाया है। और अभी देखिए इस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है थोड़ा सा गार्डन, बहुत सारे हैंगिंग बास्केट भी गिर गए हैं, तो उन सबको मुझे अब शाम को तैयार करने पड़ेंगे फिर से। तो इस तरह से रेनी सीजन जब आते हैं तो ऐसा होता ही है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।